मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में बचे हुए क्वेश्चन और एग्जाम्पल कंप्लीट करवा देंगे एक्सरसाइज 2.2 के। और पिछली क्लास में क्वेश्चन 15 का फर्स्ट पार्ट तक हो पाए थे और इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे एक्सरसाइज 2.2 के बचे हुए क्वेश्चन और एग्जाम्पल। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में, क्योंकि मजा आने वाला है इस क्लास में, उड़ने वाला है वन बाय वन क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल का गर्दा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन 15 का सेकेंड पार्ट, लिख लो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन ही आपको मिल रही है भाई। चैप्टर जो चल रहा है, नाम तो पता ही होगा ना, क्या नाम है बताइए? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड द फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, तो मेथड का यूज करके भाई सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आपको देख कर लिख लेना है, 15 का सेकेंड पार्ट दिख रहा होगा, ये है एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू इंटू में डी एक्स माइनस 3x इंटू में y स्क्वायर डी वाई इज इक्वल जीरो। क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये बात हमने आपको कहाँ बताई, एक्सरसाइज 2.1 जब भाई आपको पढ़ाई थी ना, तब ये बात बताई थी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको निकालना है। पहले से मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चन 16 की बात करें, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पहले से मिल गई है। जब ना मिले तब आपको निकालना है। फिर उसके बाद जो भी मेथड हमने आपको समझाए अभी तक, इसमें वेरिएबल सेपरेशन मेथड आपको समझाया एक्सरसाइज 2.1 में और ये चल रही है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यही रूल लगेगा भाई। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर पेपर में डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की, तो वहाँ पर आपको ये नहीं बताएगा कि कौन सा मेथड यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये नहीं बोलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन मेथड आपको चेक करना है, जो फिट बैठ जाए उसी मेथड से आपको फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, जो फिट बैठ जाए मेथड, जो ना बैठे उसको छोड़ देना है। तो इसीलिए क्रम से आपको बता रहे हैं। वेरिएबल सेपरेशन मेथड आपको पता ही है आपको कैसे यूज करना होता है, कि x का जो टर्म होता है वो dx को देना पड़ता है, जो y का टर्म होता है वो dy को देना पड़ता है भाई, वेरिएबल सेपरेट करना पड़ते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड में। तो यहाँ पर ऐसा अगर हो रहा है कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, तब आपको इस एक्सरसाइज में जो मेथड बताया था वो यूज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि मिक्स होगा ना यहाँ पर। जैसे डी वाई पॉइंट एक्स की वैल्यू निकालें तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे तो यहीं से आप देख के बता सकते हो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगी या नहीं, एच डी ई। इसमें क्या होता है, पावर देखना पड़ती है हर एक टर्म में। जैसे जैसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए वहीं से आपको पता लग जाएगा अगर एच डी ई ये मेथड लगेगा। यहाँ पे देखो थ्री, यहाँ पे देखो थ्री, हर एक टर्म में आपको पावर थ्री मिलेगी। ऐसे ही देखो, ज़रूरी नहीं कि डी वाई पॉइंट एक्स की वैल्यू निकालो तब देखो, एच डी ई ऐसे ही पता कर सकते हो जैसा आपको मिल जाए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे थ्री, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे थ्री, क्योंकि एक्स ही वन है वाई की टू है, टू और वन थ्री हो गए। तो यहाँ से हमको पावर थ्री मिल गई, यहाँ से हमको पावर थ्री मिल गई और यहाँ से हमको पावर थ्री मिल गई। तो यहाँ से हमने पता कर लिया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होगी, ठीक है। तो रूल तो आपको पता ही है कैसे आपको यूज करना है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो रूल बताया है वही आपको यूज करना है। तो हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो इज इक्वल थ्री एक्स वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है ना। हमने क्या किया, इसको उस साइड लेके गए, प्लस बना लिया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं कैसे, देखो ये डी एक्स इसके नीचे पहुँचा दो, पहुंचा दिया, और ये वाला इसके नीचे पहुंचा दो, तो एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू अपान में थ्री एक्स इंटू में वाई स्क्वायर, ठीक है।
आपको पता है कि अगर हम पावर देखें तो पहले ही चेक कर चुके हैं हर एक टर्म में वेरिएबल की, तो यहाँ पे थ्री, यहाँ पे थ्री, हाईएस्ट मिल गई है पावर हर एक टर्म में वेरिएबल की, न्यूमरेटर में थ्री मिल गई। यहाँ पे देखो एक्स की वन है, वाई की टू, टू और वन थ्री हो गई ना, तो यहाँ पे थ्री तो सेम मिल गई ना। तो यहाँ से पता कर लिया ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, चाहे ऐसे मिल जाए ऐसे भी आपको पता कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन डालते हैं फर्स्ट और यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ ईच टर्म, ईच टर्म एन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। अब लिख लेना है देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए एच डी ई, तो यहाँ पे लिखेंगे देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए एच डी ई। ठीक है, अब सॉल्व करना है, रूल तो आपको पता ही है, नोट में हमने आपको दो बताए थे, देखो y के अपॉन x, ठीक है, और सेकेंड x के अपॉन y, तो हमने क्या बताया था इक्वल b आपको रखना पड़ता है। तो आपको देखना है अगर ये रूल लगेगा तो y अपॉन x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दिख जाए, अगर ये दूर से दिख रहा है तो ये वाला रूल यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूमरेटर में देखना है, डिनोमिनेटर में देखना है, दोनों में हो सकता है, या फिर न्यूमरेटर में हो सकता है या फिर डिनोमिनेटर में। तो y अपन x कहीं दिख रहा है, ऊपर नीचे नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं लगेगा। अब ये देखो x अपन y, तो x अपन y भी ऊपर नीचे कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये भी रूल नहीं लगेगा। अब कौन सा लगेगा, वाई के इक्वल वी एक्स, ठीक है, ये लगेगा, ये 99% काम करता है, समझ गए। अब जैसे इसकी बात करें, आप बोलोगे सर अगर यहाँ पे क्रॉस इनटू कर दो तो y के इक्वल क्या मिलेगा, वी एक्स मिलेगा। आप बोलोगे ये और ये अलग है, अलग नहीं है भाई, अलग हमने बनाया है, ये और ये अलग नहीं है, अलग बनाया है, ये आपको समझना है। फ्रैक्शन में आपको ध्यान रखना है, फ्रैक्शन में कहीं दिख जाए, चाहे भले ये मिल जाए बाद में, चाहे भले ये मिल जाए बाद में, लेकिन आपको ये देखना ही है फ्रैक्शन में। वो नोट वाले दो रूल अलग हैं और ये वाला अलग है, उसको अलग ही आपको देखना पड़ेगा भाई, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें पता है ये और ये है तो सेम, लेकिन फ्रैक्शन में, फिर एक बार बोले फ्रैक्शन में आपको देखना ही है, दूर से कहीं दिख जाए इनमें से कोई, तो ये वाले आपको इनमें से कोई एक लगा लेना है, ठीक है, ना दिखे तो वाई के इक्वल बी एक्स, 99% काम करता है। जैसे बात करें क्वेश्चन 16 में, देखो वाई अपन एक्स, वाई अपन एक्स दिख रहा है, तो ये वाला रूल यूज हो जाएगा, बी रख देंगे खट से। तो ऐसे करके कहीं दिख जाए, जैसे एग्जांपल सेकंड की अगर बात करें, यहाँ पे वाई अपन एक्स दिख रहा है, देखो साइन का जो एंगल है वाई अपन एक्स, ऐसे बता रहे हैं कि दूर से दिख जाए तो ये वाले रूल जो दो हैं इनमें से कोई एक काम करता है। वैसे तो आपको पता है नहीं दिख रहा है फ्रैक्शन में, इसमें तो y के इक्वल बी एक्स यूज होगा, तो ये जानकारी हमने आपको दे दी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, dy वाई अपॉन dx ही वैल्यू चाहिए ना, तो इसका डिफ्रेंशिएट करना है किसके विद रिस्पेक्ट टू x के, तो dy वाई अपॉन dx फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफ्रेंशिएट बन हुआ लिखेंगे नहीं, फिर प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट। अब ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालना है, अब इसको हटाते हैं, थोड़ा रैपिड फायर ले लें, नहीं आप कहोगे सर बहुत टाइम लगा रहे हैं, मैंने कभी भी बच्चों का टाइम नहीं ख़राब किया है, काम से काम रहता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में डाल दो, ए डी वाई अपॉन एक्स वैल्यू ये देख लो, बी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल एक्स क्यू प्लस y है ना यहाँ पे y, ठीक है, रख दिया bx एक्स, यहाँ पर देखो 3x y दिख रहा है, रख दिया। अब देखो कामन मिलेगा x के ऊपर और x के नीचे, कामन लेके कैंसिल कर दो, अब इसको हटाते हैं, थोड़ा रैपिड फायर। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल, हैं पेपर में नहीं बवाल होगा भाई, सरल से सरल आपको
बताएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बी को उस साइड लेके जाएंगे तो एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, ठीक है, इसको तो ऐसे ही आपको लिखना है। यहाँ पे वन बचेगा, यहाँ पे वी क्यू बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें थ्री वी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि एक्स क्यू ऊपर और नीचे कैंसिल हो चुका है वी का ट्रांसफ़र, ठीक है। तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, अब क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे थ्री वी स्क्वायर, इसका इसमें इंटू करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे वन प्लस का वी क्यू माइनस, इसका कितना हो जाएगा थ्री वी की पावर वन और टू थ्री हो गई, ठीक है। थोड़ा और देख लो यहाँ पे, ये तो समझ गए ना, बी का इसमें हुआ इंटू वन पावर एड कर दो, अब ये लाइक टर्म बन गए, एक माइनस हो जाएगा, तो एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल वन माइनस का टू बी क्यू, वन माइनस टू बी क्यू अपॉन में थ्री वी स्क्वायर। अब क्या करेंगे रेसिप्रोकल, हर क्वेश्चन में यहाँ तक आने के बाद रेसिप्रोकल किया जाता है हर क्वेश्चन में, चाहे एग्जांपल की बात करें, फिर उसके बाद वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज होगा जो एक्सरसाइज 2.1 में आपने कंप्लीट किया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे रेसिप्रोकल, डी एक्स ऊपर जाएगा एक्स और डी बी नीचे आ गया, ठीक है, और ये थ्री वी स्क्वायर ऊपर और वन माइनस का टू वी क्यू नीचे, ठीक है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब वेसम वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज करना है, इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे यूजिंग वेसम वेरिएबल सेपरेशन मेथड, तो एक्स का टर्म डी एक्स को देना है और वी का टर्म डी वी को देना है, थ्री वी स्क्वायर अपॉन में वन माइनस का टू वी क्यू और यहाँ पे डी वी। अब इसके बाद में क्या करना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको हटाते हैं और यहाँ पर आपको लिख लेना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डी एक्स के अपन इतना और यहाँ पे थ्री ऐसे रखो थ्री बी स्क्वायर अपान में वन माइनस टू बी क्यू और डी बी। अब यहाँ पे समझना है, इसका तो जानते हो वन पावर में क्या होता है, वन पावर में आप बोलोगे लॉग एक्स होता है। यहाँ पे आपको समझना है एक रूल हमने आपको बताया था, अगर बात करें क्लास ट्वेल्थ एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी की बुक से, एनसीईआरटी जो बुक है 7.2 में जो मेथड हमने आपको समझाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि, तो वहाँ से दो फार्मूले बनते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड दो फार्मूले बताता है, पहला देख लो यहाँ पे एफ डेस अपॉन में एफ एक्स, ठीक है, होल पावर वन। तो इसमें क्या होता है कि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करना है, अगर ऊपर वाला मैच होता है तो लॉग के बाद में ये नीचे वाला लिखा जाता है लॉग मोड एक्स, ठीक है, और प्लस का सी, ठीक है। और दूसरा जो है रूल, यहाँ पे पावर वन अपॉन टू कर दी जाती है, सेम यही है, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करो, ऊपर वाला मैच होता है लॉग के बाद में लिखना है। अगर रूट अगर है यहाँ पे वन अपॉन टू है तो टू रूट लिखा जाता, लॉग नहीं आता और क्या टू रूट, ठीक है। तो ये समझ लो, सेकेंड तो समझी जाओगे ना, ये रूल तभी लगता है जब डिनोमिनेटर के फैक्टर ना हो, जब फैक्टर ना हो। ये जो बताया है डिनोमिनेटर में यह फंक्शन होगा ना आपके पास, जैसे यहां पे दिख रहा है, तो उसी के लिए बोला है कि नीचे वाले के फैक्टर ना हो तो ये रूल लगता है। अगर फैक्टर हो जाते हैं डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज हो जाता है, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज हो जाता है, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज हो जाता है या होता है, ऐसे लिख सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होता है,
समझ गए। यहां पे ये भी लिखते हैं, जब फैक्टर हो जाते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज हो जाता है, मतलब ये ऐसे कर दें, ठीक है। जब फैक्टर ना हो तो ये रूल यूज होता है, जब इसके फैक्टर हो जाते हैं डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होता है। ये कहानी है भाई, यहाँ पे फैक्टर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, अगर ये टू ना होता, ये टू ना होता तो हम कौन सा फार्मूला लगा देते, ए क्यू और बी क्यू वाला, ए क्यू और बी क्यू लगा देते, ए माइनस वी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का वी स्क्वायर। तो क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं भाई, क्योंकि अगर ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर जो फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी क्या है, ये भी तो फैक्टर है, ये भी क्या है, ये भी फैक्टर है भाई। तो अगर टू ना होता जो हमने रफ किया है तो फैक्टर हो जाते, फैक्टर हो जाते तब हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे टू है भाई, फैक्टर नहीं हो रहा है तो वो वाला रूल यूज होगा। तो क्या करना होता है, नीचे वाले का डिफरेंशिएट करना होता है, अगर ऊपर वाला मिलता है तो लॉग के बाद में ऐसे करके लिखा जाता है। ये क्लास ट्वेल्थ की कहानी है तो मोड आया है, लेकिन आप बीएससी की मैथ पढ़ रहे हो, हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो मोड की ज़रूरत नहीं है, बीएससी में मोड की ज़रूरत नहीं है, आप बगैर मोड से काम करो। क्लास ट्वेल्थ तक आपको मोड से काम करना है, बीएससी की अगर मैथ पढ़ रहे हो हायर मैथमेटिक्स तो मोड की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम बात करें डिफरेंशिएट की तो कितना मिलेगा, माइनस सिक्स बी स्क्वायर मिलेगा, तो ऊपर माइनस सिक्स नहीं है, बी स्क्वायर तो मैच हो जाएगा। तो क्या करना है, आपको माइनस टू का डिवाइड लगाना है और इंटू करना है, तो हो गया ना माइनस सिक्स, माइनस टू का इसमें इंटू किया ना, अपान में वन माइनस का टू वी क्यू और यहाँ पर डी वी आ गया। इतना क्लियर हुआ, अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये बोलता है कि अगर डिफरेंशिएट करते हो, नीचे वाले का अगर डिफरेंशिएट करते हो, अगर ऊपर वाला मैच होता है, अगर ऊपर वाला मैच होता है तो लॉग के बाद में नीचे वाले को लिखा जाता है। तो इसका डिफरेंशिएट किया, वन का जीरो हो गया, पावर थ्री आ गया, सिक्स हो गया और बी स्क्वायर तो मिल गया, ठीक है। अब लॉग के बाद में आपको लिख देना है, इसका काम तमाम हो गया भाई, इसको हटाते हैं। ये लो, ये क्लास ट्वेल्थ का थोड़ा सा रूल था जो हमने आपको समझाया। तो लॉग एक्स के इक्वल आपको यहाँ पे माइनस वन अपॉन टू लॉग के बाद में लिख देना है, मोड की ज़रूरत नहीं है, मोड की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिखो वन माइनस का टू वी क्यू और प्लस सी। ओके भाई, इसका डिफरेंशिएट किया, ऊपर वाला मैच हो गया, तो भाई लॉग के बाद में जिसका डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको लिखना पड़ता है। यहाँ से देखो, इसी का कर रहे हो तो यही आपको लॉग के बाद में लिखना है, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे बी बता दो कि बी जो है वाई के अपॉन एक्स, बस आंसर मैच करने की ज़रूरत नहीं है, बुक से आंसर मैच करने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेशन हो जाए, छोड़ दो, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहे हैं। नहीं, आंसर आप अगर मैच करोगे नहीं कर पाओगे भाई, पेपर में जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, तो मेथड का यूज़ करके उसको सॉल्व कर दो, इंटीग्रेशन हो जाए, छोड़ दो, पूरे नंबर मिलेंगे, आंसर मैच करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, हम आपको बता भी देते हैं कि कभी कभी आंसर आप मैच करोगे, कभी कभी क्या होता है कि टर्म को इधर उधर ऐसे करके सेट करना पड़ते हैं तब आंसर मैच होता है, जैसे लॉग के फार्मूले यूज हो जाते हैं, लॉग हटेगा ही की पावर में पहुंच जाता है, तो वो काम ना करो भाई, ठीक है, ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको हटाते हैं, अब बात करेंगे हम 16, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है, लल्लन टॉप क्वेश्चन दिख रहा है, लल्लन टॉप, देखो सीधा सीधा क्वेश्चन बना बनाया आपको मिल गया है, दूर से दिख रहा है, दूर से दिख रहा है वाई अपान एक्स बाई अपान, दिख रहा ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो द गिवन
डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सभी बच्चे लिख लें तो डी वाई अपॉन डी एक्स, सबसे पहले y अपॉन x बताया है, फिर सेकंड टर्म में बताया है tan y के अपॉन x, ठीक है। अब आपको बताना है पावर, केवल न्यूमरेटर है तो अगर हम चाहें डिनोमिनेटर ले सकते हैं भाई, जैसे y अपॉन x है, हम क्या ले लें, नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो तो आपको बाद में समझाएंगे, पहले आपको न्यूमरेटर में देखना है, क्या देखना है, न्यूमरेटर में देखना है पावर y। यहाँ से देखो, पहले y की वन है, x की वन है, तो y की वन है, x की वन नीचे है ना, तो डिवाइड में पावर माइनस होती है, कितनी मिल गई, जीरो, यहाँ से जीरो मिल गए। अब यहाँ पर आपको नहीं देखना है पावर, जो है यहाँ पे नहीं देखना है, टेन हो ठीक है, या फिर लॉग हो या फिर ई हो, समझा देंगे, समझा दें अभी। हाँ, कहाँ पे देखना है पावर, कहाँ पे नहीं देखना है, ये भी आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने आपको पावर दिखवा दी, जीरो मिल गया इस टर्म में, लेकिन यहाँ पर मना किया है, क्यों मना किया, देखो आई एल ए टी ये है ना, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के, क्योंकि ए तो अलजेब्रिक है ना फंक्शन, बीजीय व्यंजक बोलते हैं, तो ये जो है बीजीय व्यंजक में आता है, तो बीजीय व्यंजक जो भी हैं उनकी आप देख सकते हो पावर, लेकिन आई एल टी ई में अगर आपको दिख जाए बाई अपन एक्स या फिर एक्स अपन बाई, तो वहाँ से पावर नहीं देखना है। जैसे आई का मतलब इनवर्स है, जैसे साइन इनवर्स है वाई अपन एक्स हो, या फिर आपका टेन इनवर्स हो, चाहे एक्स अपन बाई हो, तो इस तरीके से जे देखना नहीं है, ठीक है। जैसे बाई अपन एक्स दिख रहा है यहाँ पे, एक्स अपन बाई, तो यहाँ से पावर नहीं देखना है, आई एल टी ई, ठीक है। एल मतलब लॉग, लॉग बाई अपन एक्स हो, या फिर लॉग एक्स अपन बाई हो, तो यहाँ से नहीं देखना है पावर, यहाँ से नहीं देखना है, घात बोलते हैं, ठीक है। तो टी का मतलब साइन हो, एक्स अपन बाई, या फिर कॉस हो सकता है बाई अपन एक्स, तो यहाँ से आपको नहीं देखना है। अब ई क्या है, ई की पावर में जैसे वाई अपन एक्स है, या फिर ई की पावर में एक्स अपन वाई है, तो आपको यहाँ से नहीं देखना है पावर। आई एल टी ई, आई एल टी ई, ये चार हैं, इनमें कहीं आपको दिख जाए बाई अपन एक्स, एक्स अपन वाई, यहाँ से पावर नहीं देखना है, ना ही देखी जाती है, केवल अलजेब्रिक फंक्शंस आपको दिख जाए वहाँ से देखना है, तभी हमने मना किया है, वाई अपन एक्स है ना, यहाँ से पावर नहीं देखी जाती है। अब आप कहोगे कि सर नहीं देखी जाती, फिर कहाँ से देखी जाती है, अब आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे जीरो मिल गई फर्स्ट टर्म में, तो यहाँ पर भी जीरो मिलेगी, जैसे यहाँ पे इसके आगे देख लो कुछ नहीं है, तो हमने क्या किया, वाई अपन एक्स रख लिया, इसको पावर में जीरो दे दिया और इसको दे दिया, क्योंकि पावर जीरो अगर है, जैसे वन की पावर जीरो है तो वन, टू की पावर जीरो वन, एक्स की पावर जीरो वन, केवल इनफाइनाइट की पावर जीरो, इसको छोड़ के ये अनडिफाइंड होता है, ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ये अनडिफाइंड होता है, इसको छोड़ के, और जीरो की पावर जीरो, इन दो को छोड़ के, इन दो को छोड़ के, बाकी जिसकी पावर जीरो मिल जाए वन होता है। जैसे बहुत से टीचर ये बोलते हैं किसी की घात जीरो हो तो वन होता है, वो गलत बोलते हैं टीचर, वो गलत टीचर बोलते हैं कि किसी की घात जीरो हो वन होता है। उनसे ये कहिए कि इनफाइनाइट की पावर जीरो और जीरो की पावर जीरो, इन दो को छोड़ के बाकी आप बोल सकते हो किसी की घात जीरो हो तो वन होता है, तो ये दो अलग से आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, एक्स की पावर जीरो, बाई की पावर जीरो ले ली, ठीक है। अब आपको यहाँ से जीरो मिल गई थी, यहाँ से भी आपको जीरो मिल जाएगी इस टर्म से, यहाँ से देखना नहीं है तो यहाँ से देख लो, तो जीरो जीरो, तो न्यूमरेटर में क्या मिल गया,
जीरो में लगे ना हर एक टर्म में वेरिएबल पावर। अब डिनोमिनेटर में देखना है, डिनोमिनेटर में है नहीं कुछ, तो नहीं है बाई अपान एक्स दिख रहा है, ऐसे लिख लो भाई, डिनोमिनेटर में भी लिख लो भाई, तो यहाँ से आपको डिनोमिनेटर में मिल जाएगी जीरो, तो सेम हो गई ना भाई, न्यूमरेटर में वेरिएबल के हर एक टर्म में पावर जीरो, डिनोमिनेटर में वेरिएबल के हर एक टर्म में पावर जीरो जीरो, सेम है। तो ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसे करके आपको पता करना है। तो आज ये पता चला है कि अगर बाई अपान एक्स, एक्स अपान बाई आपको दिख जाए तो कहाँ से आपको पावर उठानी है, कहाँ से नहीं उठानी है, ये नई बात आपको पता चली है, ये भी कोई आपको नहीं बता पाएगा, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो टीचर से पूछना, नहीं बता पाएगा, बुक में नहीं लिखा है, ये हमने बताया भाई, समझ रहे हो, जो हम बता दें ये पत्थर की लकीर है, गलत नहीं हो सकता, एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पता तो चल गया ना कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर ऑफ ईस्टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, सेम भाई है, सेम क्या मिली थी, न्यूमरेटर में जीरो डिनोमिनेटर में जीरो मिली, सेम मिली, तो लिख दिया सेम। यहाँ पे क्या लिखना, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए एच डी ई, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको पता है सॉल्व बाय कौन सा रूल यूज करेंगे, नोट में जो दो लिखाए थे ना फ्रैक्शन में, उनमें से एक मिल गया, यहाँ से देखो क्या है, वाई अपान एक्स है, यहाँ से देखो चाहे यहाँ से उठा लो, यहाँ से देखकर उठा लो, उठाने के बाद बी रख दो। अब जो आपको रूल मिल जाए उसका यूज कर लेना है, एक्स का क्रॉस इंटू करेंगे बी एक्स मिल गया, मिल गया बी एक्स, अब क्या करेंगे डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो नीचे डी एक्स दिख रहा है, तो एक्स के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पर भी नीचे डी एक्स मिल जाएगा, तो क्या करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, फर्स्ट को ऐसे रखा सेकंड का डिफ्रेंशिएट वन हुआ नहीं लिखेंगे, सेकंड को ऐसे रखा फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट। अब ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालना है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, कौन सी, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दो वैल्यू डालना है इक्वेशन फर्स्ट में। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा देख लो, यहाँ पे लिखेंगे हम ये v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, बाय अपॉन एक्स है बी डाल दिया, यहाँ पे बाई अपान एक्स है बी डाल दिया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, डी वाई अपान एक्स की वैल्यू ये रख दी और बाई अपान एक्स यहाँ से बी डाल दिया, यहाँ बी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, लेकिन पहले थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, पहले क्या करते हैं सिंपलीफाई करते हैं, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है, तो बी को उस साइड लेके जाएंगे, तो यहीं से काट दो, अगर कैंसिल हो रहा काट दो भाई, अगर उधर लेके जाओगे फिर भी कट जाएगा, ठीक है। तो एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल माइनस का टेन बी। अब इसके बाद क्या होता है, हर क्वेश्चन में यहाँ तक आने के बाद एक लाइन रेसिप्रोकल की लिखना पड़ती है, एक लाइन रेसिप्रोकल की लिखना पड़ती है, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, माइनस वन अपॉन टेन बी, ठीक है। अब क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, जब एक लाइन रेसिप्रोकल की आपने लिखी उसके बाद आपको वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज करना है हर एक क्वेश्चन में, चाहे एग्जांपल की बात करें, ये स्टेप फिक्स हैं, दो स्टेप क्या हैं, फिक्स हैं, रेसिप्रोकल के बाद वेरिएबल सेपरेशन मेथड, तो रेसिप्रोकल की एक स्टेप और उसके बाद वेरिएबल सेपरेशन मेथड की जो स्टेप है, दो हो गए, ये दो फिक्स हैं, हर क्वेश्चन में हर एक एग्जांपल में यूज होती हैं भाई,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड, तो x का टर्म dx को देना है और b का टर्म dv को देना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड माइनस आगे ले लो वन अपॉन टेन बी और यहाँ पे डी वी, इसको ऊपर लेके चलो क्या बन जाएगा, कॉट, तो कॉट का जानते हो लॉग साइन होता है, इसको हटाते हैं, इसको क्या करते हैं हटाते हैं, तो यहाँ पर आएगा लॉग एक्स के इक्वल, यहाँ पर क्या करें कॉट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कॉट बी और यहाँ पे डी वी, क्लियर हुआ, वन अपॉन टेन का कॉट लॉग एक्स। अब बताओ इसका लॉग साइन प्लस सी, ठीक है ये हो गया, समझा देते हैं जैसे नहीं जानते हो कॉट का ये होता है तो हम अलग से आपको बता रहे हैं, जैसे कॉट वी लिखा है, ये कॉट भी लिखा है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों कॉस अपान क्या होता है साइन, कॉट होता है कॉस अपान साइन, इस नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करो, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करो, अगर ऊपर वाला मैच होता है तो लॉग के बाद में नीचे वाले को लिखा जाता है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये मैच होता है तो नीचे वाला लिख दिया जाता है, हो गया इंटीग्रेशन कॉट बी का। तो ऐसे सीख लो, अगर डायरेक्ट नहीं आता है कॉट बी का, डायरेक्ट नहीं आता है लॉग साइन बी होता है, तो भाई इसको चेंज करके रूल लगा सकते हो कि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर ऊपर वाला मिलता है तो लॉग के बाद में नीचे वाले को लिखा जाता है। आया उतना, देखो जितना यहाँ पे उतना ही आया, ये तो हमने सिखा दिया आपको, ये भी नया रूल है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बी बता देना है और छोड़ देना है, बस क्या बता देना है, बी बता देना है छोड़ देना है, डी जो था वाई के अपान एक्स यही था, हो गया भाई क्वेश्चन 16। अब एग्जाम्पल की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, तो एग्जाम्पल देख लो भाई, एग्जाम्पल पहला, एग्जाम्पल पहला, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लिखो भाई एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल जीरो। ये देखो एग्जाम्पल पहला जो है पूछा गया है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 2003 में पूछा गया था, तो भाई आए हुए क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना ही करना है और तैयार भी करना है, आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी हो, इधर उधर की यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, पूछा जाता है, तो आपको तैयार करना ही करना है। तो यहाँ से क्या करना है, डीवाई पॉइंट डी एक्स वैल्यू निकालते हैं, अगर चाहो तो यहाँ से चेक हो जाएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ से पावर टू मिल गई, बाई का इंटू करो, ठीक है बाई का इसमें इंटू करो, एक्स ही बन बाई की बन दो हो गए, यहाँ पे क्या बनेगा बाई स्क्वायर, सेम मिल गई हर एक टर्म में, हर एक टर्म में पावर क्या मिल गई सेम मिल गई, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ऐसे भी पता कर सकते हो, ठीक है। तो डी वाई पॉइंट डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर डी वाई के इक्वल इसको उस साइड लेके जाएंगे वाई फिर इंटू में एक्स प्लस वाई डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस का वाई एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब लिख लो भाई पावर तो आपने चेक कर ली ना, टू 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 मिल रही थी तो ऊपर टू नीचे टू मिल रही है, वाई का इंटू करो एक्स इंटू वाई, यहाँ से टू मिल गया, वाई का वाई में इंटू करो वाई स्क्वायर, तो इस टर्म से पावर टू मिल गई, तो न्यूमरेटर में हर एक टर्म में वेरिएबल पावर टू है और नीचे नीचे भी टू दिख रही है, तो सेम पावर हो गई ना, तो ये सेम पावर दिख रही है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इक्वेशन फर्स्ट डाल के यहाँ पे लिख लेना है हाईएस्ट पावर ऑफ
each term in numerator and denominator are same, are same. क्या लिखना है? देन द, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए एच डी ई, एच डी ई, ठीक है, सॉल्व बाई वाई के इक्वल बी एक्स रखो, ठीक है, डिवाई पॉइंट एक्स की वैल्यू निकालो, तो एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना, फर्स्ट को ऐसे रखा सेकंड का डिफ्रेंशिएट, सेकंड को ऐसे रखा फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट। अब ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आपको डालना है, ठीक है, इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं। लाइक करते रहो वीडियो को, दबा दबा के लाइक करते रहो वीडियो को सभी स्टूडेंट। तो देखो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल, देखो यहाँ पे y था तो बी एक्स रख दो, x प्लस y है बी एक्स रख दो अपॉन में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ऐसे रखो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से x निकाल के इसमें इंटू करो, एक्स स्क्वायर मिल गया, नीचे वाले से कैंसिल कर दो, ठीक है, और b को उस साइड लेके जाओ, तो देखो भाई ये माइनस का है यहाँ पे b और वन प्लस का भी, वी वन प्लस बी और अपान में तो कैंसिल हो ही गया है, चाहो तो वन लिख लो, ठीक है, चाहो तो वन लिख लो, ये कैंसिल हो गया ना, और b उस साइड चला गया। अब देखो कुछ ना कुछ कैंसिल एंसिल होगा, करो फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको हटाते हैं, देखो यहाँ पे x डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, माइनस ले लो कामन, माइनस ले लो कामन और b का इंटू कर लो, b प्लस बी स्क्वायर और माइनस काम ले लिया तो प्लस का b आ गया, ठीक है, तो x डी बी अपॉन डी एक्स, तो सबसे बड़ी पावर लिख लो फिर उससे छोटी, उससे छोटी, b प्लस बी टू भी हो गया। इतना काम करने के बाद अब आपको दो स्टेप पता है, रेसिप्रोकल की एक और एक वेरिएबल सेपरेशन मेथड की। तो रेसिप्रोकल की डी एक्स ऊपर जाएगा और x डी बी नीचे, तो माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस का टू बी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यूजिंग वैसम वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज करना है, तो डी एक्स के अपान में एक्स माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस टू बी डी बी, ठीक है, दो स्टेप जो पता थी उनका काम हो गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, इसको हटाते हैं, क्या लिख लेना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना है, डी एक्स के अपान इतना इज इक्वल वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस का टू बी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे फैक्टर हो रहे हैं, फैक्टर कर लो, फैक्टर हो रहे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होगा, ये तो आपको जानकारी है, तो ये तो आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे हम फैक्टर करेंगे, बी कॉमन ले लो तो वी प्लस का टू डी बी। अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होगा, आंशिक भिन्न बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मेकिंग वाई, मेकिंग वाई पार्शियल फ्रैक्शन, मेकिंग वाई पार्शियल फ्रैक्शन। अब आपको पता है शॉर्ट में एक यूज होती है एक लॉन्ग में, तो शॉर्ट में कंडीशन है, दो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो शॉर्ट में पार्शियल फ्रैक्शन यूज हो जाएगी, मीन्स ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएंगी। तो पहली क्या है कंडीशन, ब्रेकेट में देखना है, दो ब्रेकेट हैं जैसे बी दिख रहा है, हम यहाँ पे क्या कर लें, चाहे बी प्लस जीरो कर लो या फिर बी माइनस जीरो कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है। हर ब्रेकेट में हाईएस्ट पावर देखना है बी की, तो इस वाले ब्रेकेट में बी की वन मिल गई, इस वाले ब्रेकेट में बी की कितनी मिल गई, वन, तो देखो सेम टू सेम है, पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड, सेम होना चाहिए पावर, अगर यहाँ पे टू होती तो यहाँ पर भी टू होना चाहिए, मतलब ऐसे होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए हर ब्रेकेट में बी की, तो ऐसा हो सकता था फिर भी कंडीशन सेटिस्फाइड होती, अगर पावर थ्री मिलती
फिर भी कंडीशन सेटिस्फाइड होती, सेम होना चाहिए पावर। तो हमको क्या मिला था, हमको मिला था 1 1 मिला था। तो पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड। अब दूसरी कंडीशन जो होती है, ब्रैकेट की होल पावर देखना पड़ती है, ब्रैकेट की होल पावर देखना पड़ती है, अगर सेम है तो दूसरी कंडीशन हो जाएगी सेटिस्फाइड। तो इस ब्रैकेट की देखो, पहले वाले ब्रैकेट की होल पावर देखो वन है, यहाँ पे वन है, वन। सेकंड ब्रैकेट की देख लो होल पावर ब्रैकेट की, यहाँ पे वन है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए, दोनों कंडीशन हो गए सेटिस्फाइड। अब आपको ए बी सी की वैल्यू जो भी निकालना पड़े वो शॉर्ट में निकल आएंगे। देखो कैसे लॉग एक्स के इक्वल माइनस, तो इसको हम वापस कर देते हैं, बी था ना, तो आपको पता है कि अगर वन पावर है तो एक टर्म ऊपर आएगा, जैसे बी के ऊपर कितने टर्म आएंगे, एक आएगा, क्योंकि पावर वन है। इस ब्रैकेट में बी की पावर देखो, इस ब्रैकेट में बी की पावर वन है ना, तो एक टर्म आएगा ऊपर। जितनी पावर होती है, जितनी पावर होती है उतने ही टर्म आएंगे ऊपर। तो यहाँ पर वन पावर है वेरिएबल की हाईएस्ट, तो ऊपर एक टर्म आएगा। ए लिख चुके हो, बी आपको लिखना है। अगर यही ऐसा होता जैसे बी स्क्वायर प्लस टू होता, तो यहाँ पर बी की हाईएस्ट पावर बताओ दो है, तो दो टर्म आएंगे ऊपर, बी बी प्लस सी। मतलब यहाँ पर अगर ऐसा होता तो इसके ऊपर ऐसा लिखा जाता, जितनी पावर होती ना उतने टर्म ऊपर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे वन है, सिंगल टर्म आएगा, यहाँ पे बी की वन है तो सिंगल टर्म आएगा। ए आ गया, रिपीट नहीं होगा, ए के आगे बी, फिर उसके आगे सी, उसके आगे डी। जितने टर्म ब्रेक होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, जितने टर्म ब्रेक होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, सारे के सारे प्लस में होते हैं। तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, ये फिक्स है, कभी भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ सकता। इसको हटा दें। अब ए और बी की वैल्यू निकालना है, देखो कैसे, बताई थी हमने शॉर्ट में निकल आएगी। जिसकी वैल्यू आप निकालो उसके नीचे देख लो, जितना हो उसको छुपाना है उससे ऊपर वाली लाइन में। तो ए के अपान देखा बी, तो बी को अब छुपाना है इससे ऊपर वाली लाइन में, तभी छुपेगा जब वो जीरो बनेगा। तो इस बी को छुपाना है, कब छुपेगा, जब जीरो बनेगा। तो बी की वैल्यू ऐसी कितनी रख दें कि ये जीरो बन जाए, तो आप बोलोगे बी की वैल्यू जीरो रख दो तो ये जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो इसको छुपा लिया भाई, जीरो बन गया, छुपा लिया। अब जहाँ जहाँ बी है जीरो रख दो, तो ऊपर तो दिख नहीं रही है, ऊपर कहीं बी दिख रही नहीं, दिख रही है, ये जीरो नहीं रख सकते हो, यहाँ पे आ जाओ, नीचे दिखा रख दिया। सॉल्व किया तो क्या मिला, 1/2 मिला। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, 1/2 रख लिया, क्योंकि सॉल्व किया तो 1/2 मिला ना, तो ए की वैल्यू 1/2 मिल गई। क्लियर हुआ, ठीक है। अब आपको बी की वैल्यू निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालना हो उसके नीचे देखना है, जितना हो उतना उससे ऊपर वाली लाइन में आपको छुपाना है। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी के अपान यहाँ पे देखा, इससे ऊपर वाली लाइन में यहाँ पे छुपाना है। ये कब छुपेगा, जब जीरो बनेगा। अब आपको बताना है कि बी की वैल्यू ऐसी कौन सी यहाँ पे डाल दें कि ये जीरो बन जाए। तो आप बोलोगे सर बी की वैल्यू -2 डाल दो, -2 डाल दो, यही बोलोगे ना, हाँ। तो ये छुप गया भाई, +2 -2 कैंसिल हो गया, जीरो आ गया, ये छुप गया। अब जहाँ जहाँ बी है -2 रख दो, ऊपर है कहीं नहीं है, नीचे बी है, ये रख दो। तो वैल्यू कितनी मिल गई, इतनी मिल गई, तो -1/2। क्लियर हो गया। तो शॉर्ट में ऐसे करके आपको ए बी सी की वैल्यू निकालना है शॉर्ट में। दो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती हैं तब आपको निकालना है शॉर्ट में ए बी सी की वैल्यू। अगर दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन या फिर दोनों कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड होते हैं, तो लॉन्ग मेथड में ए बी सी की वैल्यू निकलती है। एक शॉर्ट ट्रिक होती है, एक होती है लॉन्ग ट्रिक। तो लॉन्ग में आपको निकालना पड़ती है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में ए बी की वैल्यू निकल गई, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। तो लॉग एक्स के इक्वल, लॉग एक्स के इक्वल ए और बी की वैल्यू मिल गई ना, तो ए और बी को हटा दो, हटा दिया 1/2 बी, और
यहाँ पे माइनस वन अपॉन टू वी प्लस टू, ठीक है। अब वन अपॉन टू कामन ले लो, वन अपॉन टू कामन लेके इंटीग्रेशन कर दो, इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं। देखो यहाँ पे लॉग एक्स तो ऐसे ही हम लिखेंगे, इज इक्वल माइनस से इंटू कर दो और वन अपॉन टू कामन ले लो। हमने क्या किया, माइनस से इंटू कर दिया, ये वाला पहले लिख दो वी प्लस टू, और ये माइनस का बाद में लिख दो। अब कर दो इंटीग्रेशन, लॉग एक्स के इक्वल वन अपॉन टू ऐसे रखो, इसका बता लॉग होगा ना बी प्लस टू, अगर इसका डिफ्रेंशिएट करोगे ना इसके नीचे, इसके नीचे इसका डिफ्रेंशिएट तो बन निकलेगा ना, करो भाई यहाँ पे आ जाओ, वन अपॉन बी का लॉग बी और प्लस सी। अपने आप अगर फार्मूला लग रहा है, अपने आप अगर फार्मूला लग रहा है लॉग का तो लगा देंगे, बनाएंगे नहीं, बनाएंगे नहीं लॉग के फार्मूले, अगर अपने आप लग रहा है तो लगा लेंगे। तो इस लॉग का कोएफिशिएंट वन है, इस लॉग का कोएफिशिएंट वन है, सेम अगर कोएफिशिएंट है जैसे यहाँ पे टू होता, टू होता सेम होता तो उसको कॉमन लेके फार्मूला लगा देते, लेकिन यहाँ पे वन वन है, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। तो लॉग एम माइनस लॉग एन का लगेगा, लॉग एम अपॉन एन। ये भी जानकारी होना चाहिए कि जब भी आपको इंटीग्रेशन करने के बाद में इस तरीके से टर्म मिल जाए लॉग में तो फार्मूला कब लगता है कब नहीं लगता है, ये जानकारी होना चाहिए। अपने आप अगर फार्मूला लग रहा है लॉग का तो लगा लेंगे, बनाएंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग एक्स के इक्वल वन अपॉन टू लॉग बी प्लस टू अपॉन में बी, ठीक है। अब बी बताना है यहाँ पे, जो आपने बी बाई इक्वल वी एक्स रखा था ना तो वो बताना है। तो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, बता देंगे वेयर वी इक्वल क्या है, वाई के अपॉन एक्स, बी के इक्वल क्या है, वाई के अपॉन एक्स। ये एग्जांपल पहला हो गया ना, ये आया हुआ है एग्जांपल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 2003 में पूछा गया था, इसको हटाते हैं। अब क्या करेंगे हम, एग्जांपल सेकंड की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। देखो यहाँ पे एग्जांपल सेकंड, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लिखो एक्स कॉस वाई के अपान एक्स, ठीक है, और वाई डी एक्स और प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल वाई साइन वाई के अपान एक्स, फिर एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स, ठीक है, एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स। ये भी आया हुआ है 1996 में, कानपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, निकालते हैं डी वाई पॉइंट डी एक्स की वैल्यू, कैसे निकालोगे देखो हम आपको बताते हैं, इंटू कर लो तो एक्स वाई कॉस वाई के अपॉन एक्स इंटू कर लो, प्लस इसका इसमें कर लो तो एक्स स्क्वायर कॉस वाई के अपॉन एक्स, इसका इसमें कर दिया ना डी वाई आ गया, इक्वल कर दो इंटू एक्स वाई साइन वाई के अपॉन एक्स और डी वाई, माइनस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से डी वाई वाले टर्म देख लो, डी एक्स वाले देख लो, ये डी वाई वाले हैं तो कॉमन ले लो, ये डी वाई तो एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई लिख देते हैं। अब डी एक्स वाले देख लो, ये डी एक्स वो वाला डी एक्स, तो इसको उस साइड लेके चलो, ये हो जाएगा एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स, एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स और यहाँ पे लिख लो डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे क्या करना है, इसको पहले लिखना है, इसको बाद में, माइनस कॉमन ले लो, देखो यहाँ से माइनस मिल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो डी एक्स आएगा इसके नीचे और ये जाएगा इसके नीचे, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो एक्स वाई कॉस
वाई के अपन एक्स, ठीक है, वाई अपन एक्स, और फिर माइनस का वाई स्क्वायर साइन वाई के अपन एक्स, इतना लिखो। माइनस का मैं लिया तो ये प्लस हो गया, ठीक है, अपान में देखो ये जाएगा, तो माइनस यहाँ से कॉमन लेके इसको पहले लिख लो, तो एक्स वाई साइन वाई के अपान एक्स, और ये बाद में लिख लो, तो एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपान एक्स, तो एक्स वाई साइन वाई अपान एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपान एक्स, माइनस से माइनस काट दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन डालना है, तो दूर से दिख रहा है बाई अपन एक्स बाई अपन एक्स, तो पता तो है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको लिख देना है यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ ईस्टर, हाईएस्ट पावर ऑफ ईस्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, कितनी मिलेगी देखो हम आपको बताते हैं। यहाँ से देखो टू मिली, यहाँ से टू मिली, क्योंकि यहाँ से आपको देखना नहीं है पावर, बताया था आई एल टी ई, आई एल टी ई में बाई अपन एक्स या एक्स अपन बाई दिख जाए वहाँ से पावर नहीं देखी जाती है, तो आगे देखना है, तो एक्स की वन बाई की वन टू हो गई टू, तो ऊपर टू मिल गई, नीचे देखो यहाँ से एक्स की वन बाई की वन टू हो गई, नीचे यहाँ पर भी टू, तो ऊपर हाईएस्ट मिल गई टू, नीचे भी टू मिल गई, तो सेम लिख दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, तो यहाँ पे क्या लिखना है, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एच डी ई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्व करना है तो यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्व बाई वाई के अपान क्या है, थोड़ा रफ करके फिर बताते हैं, तो देख लो बाई अपान एक्स बाई अपान एक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व बाई वाई अपान एक्स इक्वल बी आपको रख लेना है, तो नोट में दो बताए थे रूल जिसमें एक यहाँ पे फिट बैठा है, तो इसको हटाते हैं फिर आगे बताते हैं कैसे लिखोगे, कैसे आपको लिखना है, तो वाई अपान एक्स इक्वल बी, क्रॉस इंटू कर दो तो वाई के इक्वल बी एक्स आएगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लो क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट को ऐसे रखा सेकंड का डिफ्रेंशिएट, सेकंड को ऐसे रखा फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू इसमें डालना है, यहाँ पे लिखना पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इन इक्वेशन फर्स्ट हम इसी में काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू बी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, तो बाई अपॉन एक्स जहाँ जहाँ आपको दिखता है बी रख देना है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है और यहाँ पे है, बाई अपॉन एक्स रख दिया बी, अब बाई बाई के इक्वल बी एक्स ये भी वैल्यू रखना है, जहाँ जहाँ बाई है तो यहाँ पे आपको रखना है बी एक्स, ठीक है, यहाँ पे रखना है बी एक्स, यहाँ पे रख दिया बी एक्स, और बाई है यहाँ पे बाई है बी एक्स रखना है, रख दिया, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, आप लोग नोट करो, करो नोट, हमने इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू डाल दी है, अब मेरे प्यारे बच्चों कामन आमन मिलेगा आपको, तो कामन क्या देगा, एक्स स्क्वायर निकालो, यहाँ से ऊपर से निकाल के कैंसिल कर दो, तो v प्लस एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स, तो निकालते हैं देखो एक्स स्क्वायर निकालते हैं, तो v cos b बचेगा, b cos b यहाँ से प्लस का v स्क्वायर साइन b बचेगा, अपान में देख लो यहाँ पे v साइन b बचेगा, v साइन b यहाँ पे cos b बचेगा, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है, ठीक है, बी साइन बी बचा और माइनस कॉस बी, अब क्या करेंगे बी को उस साइड लेके जाएंगे, इसको हटाते हैं आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल, बी को उस साइड लेके जाएंगे, पहले लिख लेते हैं बी कॉस बी माइनस
प्लस है बी स्क्वायर साइन बी अपान में वी साइन बी माइनस का कॉस बी और माइनस का बी। अब एलसीएम ले लो तो एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल एलसीएम लेंगे हम वी साइन बी माइनस का कॉस बी। ठीक है, इसका इसमें इंटू करेंगे तो इसको ऐसे लिखो, ये दो टर्म है ऐसे ही छापना है, वी कॉस बी प्लस का वी स्क्वायर साइन बी माइनस कर दो इंटू, तो वी स्क्वायर साइन बी माइनस का वी कॉस बी, बी का किया इसमें बी स्क्वायर साइन बी माइनस का वी कॉस बी, तो माइनस से इंटू किया ये माइनस हो गया, ये वाला प्लस हो गया। ठीक है, माइनस से इंटू ना ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर लो, कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो कर लो, तो बी स्क्वायर साइन बी ये प्लस का ये माइनस कट गया। ठीक है, तो एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल बी कॉस बी, बी कॉस बी कितना हो गया टू बी कॉस बी हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसे लिखो वी साइन बी माइनस का कॉस बी। अब क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, डी एक्स ऊपर जाएगा एक्स डी बी नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो वी साइन बी माइनस का कॉस बी अपान में टू वी कॉस बी। ठीक है, रेसिप्रोकल करने के बाद वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज होता है, तो यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो एक्स का टर्म डी एक्स को देना है और वाई का टर्म मतलब बी का टर्म डी वी को देना है टू वी कॉस बी, यहाँ पे डी वी। इतना करने के बाद अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लिख दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वी साइन बी माइनस का कॉस बी अपान में वी कॉस बी। ठीक है, और यहाँ पे डी बी और ये टू बाहर लिख लो। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट करो, अगर ऊपर वाला मैच होता है इसको लॉग के बाद में लिख देंगे, तो चेक करते हैं वी कॉस बी फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट को ऐसे रखा सेकंड का डिफ्रेंशिएट प्लस, सेकंड को ऐसे रखा फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट क्या हुआ वन, ना लिखो। अब देखो मैच करो, माइनस बी साइन बी प्लस का है और यहाँ पे प्लस का कॉस बी, यहाँ पे माइनस, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, टर्म तो मिले हैं, दो टर्म हैं, दो मिल गए हैं, लेकिन साइन अल्टरनेट है, तो सेम साइन कैसे बनाओगे, माइनस कॉमन ले लो तो सेम साइन बन जाएगा, तो इसका तो लिख दो लॉग एक्स इक्वल माइनस वन अपॉन टू, माइनस कॉमन लेना तो बी साइन बी ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, माइनस बी साइन वी माइनस का हो गया ये प्लस का हो गया और बी कॉस बी और डी बी। ठीक है, चलो भाई ये लॉग एक्स और माइनस वन अपॉन टू लॉग वी कॉस बी। ठीक है, और प्लस सी, अब बी बता दो कि क्या रखा था भाई, बी क्या था, वाई के अपॉन एक्स रखा था ना। ठीक है, आंसर मैच करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दिया करो, इंटीग्रेशन हो जाए छोड़ दिया करो। ठीक है, तो इस क्लास में एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है, अब अगली क्लास लेके आएंगे एक्सरसाइज 2.3, उसका बेसिक पहले पढ़ाएंगे उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।